भक्तिमय आध्यात्मिक कार्यक्रम नानी बाईरो मायरो उत्सव 15 से 17 दिसंबर तक ललित नारायण स्टेडियम में हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए स्टेडियम दुल्हन की तरह सजाया गया। कथा वाचन के लिए जया किशोरी के लोहरदगा आगमन पर पूरे लोहरदगा वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सत्संग मंच पर उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ लाया गया। जया किशोरी जी ने मंच पर पहुंचते ही श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। साहू परिवार द्वारा ब्यास तिलक और पगड़ी के साथ स्वागत किया गया। आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं आयोजन समिति के संरक्षक राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि मनुष्य को जीवन में दान, संयम और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। सत्संग से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। इससे मनुष्य का ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। इस मौके पर राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी अपने दलबल के साथ भक्ति भजन का लुत्फ उठाने पहुंचे। बता दें कि भजन गायिका जया किशोरी अब तक 350 से अधिक कथाएं कर चुकी हैं। जया द्वारा नानी बायरो मायरो कथा भक्त नरसी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। इसमें लड़की की शादी में नाना या मामा द्वारा मायरो कन्या को दिया जाता है। इस कथा में मायरो भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं दिया गया था। जया किशोरी द्वारा इसी कथा का वाचन किया गया। इस 3 दिवसीय संध्या में लोहरदगा के साथ साथ दूसरे जिलों से पहुंचे लोग भी भक्ति के आनंद रस में डूब गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।